सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार गेम प्ले वीडियो में। आज हम खेलने जा रहे हैं इनजस्टिस 2। भाई ये डीसी यूनिवर्स का एक ज़बरदस्त गेम है भाई। इसके ऊपर मैंने एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो भी डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि ये गेम किस टाइप का होने वाला है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि भाई ये गेम है वो डीसी यूनिवर्स के सुपर हीरो के ऊपर, मतलब उनकी ऊपर एक स्टोरी लाइन गेम है और मतलब फाइटिंग टाइप का गेम है। इसमें जैसे आपने टेकन 3 गेम खेला है या टेकन के कोई भी गेम खेला है आपने, ये एक फाइटिंग स्टाइल गेम होने वाला है। और भाई जो गेम है इसमें अभी हम स्टोरी मोड ट्राई कर रहे हैं। इसमें आपको बहुत सारे डीसी यूनिवर्स के सुपर हीरो मिलेंगे, जैसे बैटमैन, सुपरमैन, वंडर वूमन, बहुत फ्लैश, इसमें काफ़ी सारे सुपर हीरो हैं, काफ़ी सारे विलन भी हैं और ये गेम सच में काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। तो स्टोरी मोड के अनुसार अभी भाई हम आई थिंक सुपरमैन के प्लेनेट पर हैं और उसके प्लेनेट पर अभी जो है एलियंस ने अटैक कर दिया है। तो और वहाँ के ये लोग हैं जो एलियन से बचकर भाग रहे हैं और अभी हम इस लड़की के पर्सपेक्टिव व्यू से अभी स्टोरी को हम जानने की कोशिश करते हैं। तो फिर भाई ये लड़की आई थिंक बच चुकी है अभी थोड़ी देर के लिए, लेकिन हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है। और इनजस्टिस 1 गेम को मैंने नहीं खेला है, तो मैंने इस गेम के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था इंटरनेट पे और भाई मुझे डीसी यूनिवर्स का गेम कुछ ट्राई करना था, क्योंकि हमने मार्वल एवेंजर गेम खेला था वो मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। उसके ऊपर मैंने अभी ज़्यादा एपिसोड नहीं डाले हैं, 2-3 एपिसोड ही डाले हैं मैंने, पता नहीं कितने के डाले होंगे, ध्यान नहीं है अभी मुझे, लेकिन हाँ भाई वो गेम भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना कोई हम डीसी यूनिवर्स का गेम ट्राई करें। भाई यहाँ भी हम एक डीसी यूनिवर्स का गेम मैंने काफ़ी टाइम तक ढूंढा, फिर ढूंढने के बाद मुझे ये एक गेम जो है वो थोड़ा ठीक लगा। लेकिन ये एक टेकन 3 टाइप गेम है इसमें, यानी इतना ज़बरदस्त नहीं है, लेकिन इसका फाइटिंग स्टाइल है वो मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। तो अभी इस गेम को ट्राई करते हैं। इसका स्टोरी मोड भी मैं प्ले कर रहा हूँ, तो जिस हिसाब से अगर ये मुझे अच्छा लगेगा, आपका इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है, तो इसके हम आगे जो है एपिसोड हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। और तेरी भाई एलियन शिप आ गया है और इस एलियन शिप ने यहाँ की सिटी को ही बर्बाद कर दिया भाई, कंप्लीट सिटी को उड़ा दिया है और कहीं बादलों में गुम हो गया है। और तेरी की भाई सच में ये गेम काफ़ी ज़्यादा मतलब डार्क स्टोरी के ऊपर बेस लग रहा है मुझे अभी स्टार्टिंग में, जिस हिसाब से मैं इस गेम को देख रहा हूँ। तो वो पीछे से वही एलियन आ गए हैं और भाई अभी इस लड़की शायद मरने वाली है, काफ़ी इंटेंस सिचुएशन क्रिएट हो गई है यहाँ पर। ओ भाई आखिर में पता नहीं कौन आ गई है, कारा नाम है आई थिंक इस लड़की का मुझे जहाँ तक लगता है। तो ये इसकी माँ है और इसकी माँ ने इसकी हेल्प की है। तो अभी हम एक रिसर्च सेंटर में आ गए हैं, जैसे हमने पिछले कटसीन में देखा था, तो हम एक रिसर्च सेंटर में। तो अभी हमें हाँ यहाँ से निकलना होगा क्योंकि ये शायद एलियन इस पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। और तेरी की वो दरवाजा तोड़कर वापस अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं वो सभी एलियन, तो हमें यहाँ से निकलना होगा। तो इसकी माँ ने यहाँ पर शायद कुछ स्पेसशिप रॉकेट वगैरह रेडी किए हैं। तो ये सुपरमैन का प्लेनेट है जहाँ पर अभी ये सुपरमैन की सिस्टर है और ये सुपरमैन की जो है मदर है। और अभी हमें जाना है अर्थ के ऊपर, इन्होंने अपना मतलब स्पेसशिप की लोकेशन अर्थ डाली है, ये जिस प्लेनेट पर रहते हैं अर्थ वहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है और एलियंस ने इनके ग्रह पर हमला कर दिया है। तो अभी हमें जाना है अर्थ के ऊपर। और ये क्या भाई स्पेसशिप है, वो सिर्फ 2 स्पेसशिप हैं जिसकी वजह से जो इसकी मोम है वो इनके साथ नहीं आ सकती है। तो इनकी मोम की यहाँ पर मुझे लगता है वो यहाँ पर फंसी रह जाएंगी। और ये कारा है और कार्ल यानी अपना सुपरमैन है, सुपरमैन का निकनेम है कार्ल। मैंने डीसी यूनिवर्स की कुछ मूवी देखी है तो इसलिए मुझे थोड़ा बहुत मतलब सुपरमैन बैटमैन तो मुझे इन करेक्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत पता है। वो गेट तोड़कर अंदर आ रहे हैं, तो अभी हम यहाँ से निकलना होगा। सो अभी हमारा जो स्पेसशिप है वो रेडी हो चुकी है। और भाई इसकी उत्तरी भाई मैंने लगा था कि ये शायद बच जाएगी इसकी माँ, लेकिन इसकी माँ को एलियंस ने मार दिया है। सो उसकी माँ ने कहा था कि तुम्हें सुपरमैन को ट्रेन करना होगा, लेकिन भाई हम काफ़ी बड़ी मुश्किलों के साथ उस ग्रह से निकले हैं और अभी हम जा रहे हैं सीधा अर्थ की तरफ। काफ़ी डार्क स्टोरी है, स्टार्टिंग काफ़ी ख़तरनाक हुई है एक ज़बरदस्त वॉर के साथ। और ये है अपना सुपरमैन का स्पेसशिप जिसमें हमारा कार्ल है। अभी ये छोटा बच्चा है लेकिन आगे चलकर भाई ये ख़तरनाक सुपरमैन बनने वाला है। और ये इनका प्लेनेट ही कंप्लीट प्लेनेट ही डिस्ट्रॉय हो गया है। तो गाइस ये स्टार्टिंग थी इनजस्टिस 2 गेम की। उत्तरी की भाई इनका जो स्पेसशिप है वो जो है भाई अलग लोकेशन पर चला गया है और जो हमारे लिए कार्ल का है सुपरमैन का तो अपनी अर्थ की तरफ आ गया है, लेकिन उसकी बहन का स्पेसशिप है वो किसी और प्लेनेट की तरफ चला गया है।
और ये स्टार्टिंग होती है इंजस्टिस 2 गेम की। सो गाइस ये गेम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताना, और ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।